Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aaj main bana rahi hu bahut hi easy and simple potato cheese burgers jo ke mere bahut hi favorite hain aur bahut hi aasani se jaldi taiyar ho jate hain. Iske liye maine aloo boil kiye hain aur garam garam aloo ko main mash kar rahi hu. To garam garam mash karne se bahut jaldi mash ho jate hain. तो अभी मैंने आलू को मैश करके इसमें डाली है लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मेथी और तंदूरी मसाला. तो अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी. इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है. आलू बहुत गर्म है इसलिए मैं हाथ से मैश नहीं कर रही हूँ. आप हाथ से मैश करें तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है. अब यहाँ मेरे पास प्याज है चॉप की हुई, हरी मिर्च है और चीज़ है, ये मोज़रेला चीज़ है, इनको डाल दूँगी और थोड़ी सी चेडर चीज़ है, इसको डाल दूँगी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. थोड़ा सा मैंने इस पे धनिया और पुदीना डाला है. तो अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैश भी करूँगी और मिक्स भी करूँगी. इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसका नमक चेक कर लें. अगर कम या ज़्यादा हो तो आप उसको ठीक कर लें, कम हो तो और डालें, ज़्यादा हो तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता. तो अभी ये सारा मिक्सचर तैयार हो गया है तो मैं आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताती हूँ. इसके अलावा बेसन में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, इसका बैटर बना लूँगी. मैं हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे. ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया है. अब मैं कबाब बनाऊँगी उसके और बैटर में उसको डिप करके मैं फ्राई करूँगी. इस तरह से कबाब को बैटर लगा के इसमें डाल दें. जब एक साइड इसकी रेडी हो जाएगी तो मैं इसकी साइड आराम से चेंज कर दूंगी. ये कितना अच्छा कलर आया इसका. आप इसी तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े कबाब बना के इनको फ्राई कर सकते हैं. बेसन ना लगाना चाहें तो ऊपर अंडा भी लगा सकते हैं. जब ये दोनों साइडों से गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल ले. ये देखिए कितना अच्छा दोनों साइडों से ब्राउन हो चुका है. कबाब फ्राई करने के बाद आप ये बन टाइप जो बर्गर हैं वो ले लें. कोई से भी ले सकते हैं आप, फ्रेश भी ले सकते हैं, तेल वाले भी ले सकते हैं, सादे भी ले सकते हैं. तो इनको मैं कट कर लूँगी. मेरे पास दोनों तरीके के हैं, लंबे भी हैं और गोल भी हैं. कबाब फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत ब्राउन कलर आया इन पे और बहुत बड़े बड़े मैंने कबाब बनाए हैं. ये मैंने बर्गर के हिसाब से बनाए हैं. आप छोटे या बड़े अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं. इस तरह से आप इनको काट लें. अब इसके ऊपर मैं ये ग्रीन चटनी, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ मैं बना के रखती हूँ पुदीने की और हरी मिर्चों की, तो वो लगाऊंगी. और एक साइड पे केचप लगाऊंगी. और फिर इसके ऊपर मैं कबाब लगा दूंगी. तो थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये इसके बीच में आ जाए. अब लास्ट में इसके ऊपर मैं अनियन थोड़े से रखूंगी.
और ये देखिए बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाइट सा बर्गर तैयार है। इसी तरह से मैं सारे बर्गर तैयार कर लूँगी जी। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये पोटैटो चीज़ बर्गर तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। इसके साथ आप वैसे भी ये पोटैटो चीज़ जो कबाब हैं इनको आप केचप और चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।